प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा की तबियत बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें अहमदाबाद के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल ने बयान जारी कर बताया कि उनकी हालत स्थिर है। आपको बता दें कि उनके परिवार के सभी लोग अस्पताल में मौजूद हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी उन्हें देखने के लिए अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। वहीं इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी उनका हालचाल जाना और अस्पताल का दौरा किया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा जून में ही 100 साल की हुई है। हीराबा के 100वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी गांधीनगर में उनसे मिलने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मां हीराबा का आशीर्वाद लिया था और उनकी पूजा अर्चना की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां के पैर पखारे और गिफ्ट में शॉल दी थी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए गुजरात ब्यूरो चीफ विक्की कायस्थ हमारे साथ जुड़े हुए। विक्की, 100 साल की हीराबा की तबीयत बिगड़ी है, अब उनकी हालत कैसी बताई जा रही है? जी, बीते मंगलवार को रात को प्रधानमंत्री जी की माता श्री हीराबा की तबीयत अचानक से खराब होने की वजह से उनको एम्बुलेंस के द्वारा यूएन मेहता कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, लेकिन सत्तावार कोई माहिती नहीं मिल रही थी। लेकिन अस्पताल के प्रवक्ता ने अखबारी आदि जाहिर करते हुए बताया था कि उनकी तबीयत में हाल सुधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मिलने पहुंचे हुए हैं विक्की, अब वहां पर जी बताएं। हीराबा की तबीयत बिगड़ने के तुरंत ही जैसे भी मीडिया जगत से ये माहिती प्रसार हुई कि हीराबा की तबीयत खराब हुई है, उसी वक्त जितने भी वहां के स्थानीय विधायक थे वो, फिर हमारे सीएम भूपेंद्र पटेल, जिन्होंने भी फोन करके हीराबा की तबीयत की राय ली थी। बहुत बहुत शुक्रिया विक्की, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। तो ये थे एवन संवाद, विक्की कायस्थ गुजरात ब्यूरो चीफ, जो पूरी जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री की मोदी की मां हीराबा की जो तबीयत है वो बिगड़ी। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने बुलेटिन जारी किया था जिसमें उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनसे मिलने पहुंचे हुए हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं उनके 100वें जन्मदिन पर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां से मिलने पहुंचे थे तो उनकी पूजा अर्चना की थी, उनके पैर पखारे थे और शॉल गिफ्ट में उन्हें भेंट की थी। अपनी मां के बेहद करीबी हैं, बहुत करीब हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमेशा उनसे मिलने पहुंचते रहते हैं। तो ये आप दो तस्वीरों में देख सकते हैं। एक तस्वीर में अस्पताल ने जो बयान जारी किया है वो है, और दूसरी तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां के साथ जो अभी 100वें जन्मदिन पर पल बिताए थे उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और जब भी गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो अपनी मां से मिलने जरूर जाते हैं, और देख सकते हैं आप मां के पास उनसे बातें करते हुए, उनके पैर छूते हुए की ये विजुअल है। फिलहाल हीराबा की जो हालत है वो स्थिर बताई जा रही है। और प्रधानमंत्री मोदी की मां को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी के अस्वस्थ होने का समाचार उनको प्राप्त हुआ और वो ईश्वर से उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। ये आपको राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट बता रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की मां की अस्वस्थ होने की जानकारी मिलने पर ट्वीट किया, और प्रियंका गांधी ने भी प्रधानमंत्री मोदी की मां को लेकर ट्वीट किया है। उनको भी जब हीराबा के अस्वस्थ होने का समाचार प्राप्त हुआ तो उन्होंने भी ट्वीट किया, उन्होंने लिखा, इस घड़ी में हम सभी उनके साथ हैं। उन्होंने लिखा है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि उन्हें जल्द स्वास्थ्य लाभ मिले। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा की जो हालत है वो खराब है, और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने भी ट्वीट कर कहा कि एक मां और बेटे के बीच प्यार अनंत और अनमोल होता है, मोदी जी की इस कठिन समय में मेरा प्यार और समर्थन उनके साथ है और मैं आशा करता हूं कि आपकी माताजी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तीनों ही लोगों ने ट्वीट किया है और हीराबा के जल्द से